नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर, प्रियंका वाड्रा ने 101 ब्राह्मणों के साथ मां नर्मदा का पूजा अर्चन किया एवं जबलपुर से ही आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद जबलपुर के गुलबाजा मैदान की विशाल आम सभा में किया और अपने उद्बोधन में कहा कि जिस प्रकार से कर्नाटक में हमने जो वादा किया और सरकार आते ही पहले कैबिनेट में सभी वादों को हमने पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, उसी प्रकार से अब मध्य प्रदेश में भी आप सब लोगों के सामने जो मैं और मध्य प्रदेश के सभी नेताओं द्वारा जो महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि एवं 500 गैस के सिलेंडर देने का जो वादा आज मैं और कमलनाथ जी कर रहे हैं उसे सरकार बनती प्राथमिकता से सबसे पहले किया जाएगा। उसी प्रकार कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि 5 साल में 10,000 नौकरियां हम देंगे यदि सरकार बनती है तो। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा, प्रदेश में जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग शहर में सिर्फ कमलनाथ सरकार में हुई थी। इस दौरान 3,000 करोड़ के बजट पारित हुए थे जो कि भाजपा सरकार ने कैंसिल कर दिया था। अगर अब सरकार बनती है तो अगली मीटिंग जबलपुर में होगी और अगर नहीं हुई तो मैं कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना दूंगा। नर्मदा में अवैध उत्खनन को लेकर किया विरोध, कहा कि मां नर्मदा जीवनदायिनी है, जिस प्रकार से लोग भाजपा सरकार में उत्खनन कर रहे हैं नर्मदा जी को खंड करने में लगे उसे भी बंद किया जाएगा। पूरा गोलबाजा कांग्रेसियों से खचाखच भरा हुआ था। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि कांग्रेस की सफल ऐतिहासिक आम सभा रही। सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली मां नर्मदा, उनका दूध से अभिषेक शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठकर हमारे सम्माननीय अतिथिगणों के साथ मानसिक पूजन करें। मैं अपने संकल्प लेती हूँ कि माँ नर्मदा जी के पवित्र जल में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी कूड़ा कचरा प्रवाहित नहीं करूँगी तथा ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया, आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन ले, पुरानी पेंशन लागू होगी। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.